आगरा के कमलानगर स्थित कर्मयोगी एनक्लेव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन रविवार को नंदोत्सव में गोकुलधाम जैसा माहौल उत्पन्न हो गया। झूमते गाते भक्तजन हीरे जेवरात मेवा और उपहारों की बारात करते नंदबाबा और यशोदा मैया। यशोदा ने जायो ललना मैं जमुना में सुनाई व नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की जैसे बधाई गीतों पर श्रद्धालु घंटों झूमते रहे। कथा ब्यास पीठासीन शिव मूर्ति द्विवेदी के मुख से एक के बाद एक बधाई गीतों की धुनें प्रस्फुटित होती गईं, जिन पर भक्ति की मस्ती में डूबे भक्तजन प्रभु भक्ति में दीवाने हो उठे। कथा में झांकियों के माध्यम से श्री कृष्ण जन्म का भावपूर्ण संजीव वर्णन किया। व्यासपीठ के शिव मूर्ति द्विवेदी महाराज ने बताया कि नंदोत्सव ऐसा महान उत्सव है जो नित्य की भगवान के प्यारे भक्त देह और गेह की शुद्ध भुलाकर अपने ही मन मंदिर में मनाते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम है मानसू अग्रवाल है। क्या कार्यक्रम जो है? श्रीमद् भागवत कथा का प्रोग्राम चल रहा है, आज चौथा दिन है, नंदोत्सव है। कुछ ही पलों में भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला है और सब लोग बड़े उत्साह से कृष्ण नंदोत्सव मना रहे हैं और सबको बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब कर्म करने में। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इसी तरह पूरे विश्व में इस तरह के प्रोग्राम हुआ करें जिससे हमारा विश्व और ऊंचाइयों पर जाए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। कितने लोग मंच बनाया गया है आज, क्या मामला है? और कल तक हमारा मंच छोटा था, भीड़ को देखकर लोगों में उत्साह जागरूक हुआ तो आज हमारा मंच दुगना हो गया है, स्टेज दुगनी हो गई है, पंडाल दुगना हो गया है। लोग कितने भागवत श्रोता जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं? भागवत लमसम पहले दिन थे 300 आदमी, दूसरे दिन थे 500 आदमी, आज लमसम मैं समझता हूँ कि 700-800 आदमी है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।